कैप्टन रिटायर्ड सफदर का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। पिम्स अस्पताल के 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स का बताना है कि उनका हलक खुश्क हो रहा है, जिसके बायस वो सिर्फ पानी पर गुजारा कर रहे हैं। उनके मजीद टेस्ट भी लिए गए हैं जो कि लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए हैं। उनकी तबीयत से मुतालिक मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, गला खुश्क हो रहा है कैप्टन रिटायर्ड सफदर का, वजह क्या सामने आई? जी बिल्कुल, डॉक्टर तनवीर खालिक की सरबराही में 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आज सुबह 10 बजे कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तिबी मुआयना किया है। मुख्तलिफ टेस्ट उनके जो हैं वो ले लिए गए हैं। आज उनके जिगर का टेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा और एक्सरे भी किया जाएगा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जब उनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया था तो उनके घर से लाया जाने वाला जो खाना है वो भी उनको नहीं दिया गया, और उनका ये बताया जा रहा है कि सिर्फ पानी के ऊपर वो जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। जब हलक सूखता है तो उसके बाद 1 से 2 चम्मच पानी इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वो जो चीज़ भी खाते हैं उनको वोमिट हो जाती है। तो इस वजह से गुज़िश्ता रोज़ से उनका खाना भी बंद किया गया है। दूसरी जानिब उनके तमाम मेडिकल टेस्ट जो हैं वो लिए गए हैं। आज उनका जो ब्लड का शुगर है, ब्लड प्रेशर और शुगर जो है उसका भी टेस्ट किया गया है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी हाई था और आज भी काफ़ी हाई है, वो संभलने नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टरों की जानिब से ये बताया गया है कि शाम को उनका दोबारा मेडिकल चेकअप किया जाएगा और जो गुज़िश्ता रोज़ टेस्ट लिए गए थे उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका आज बड़ा तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया है, और अब जो शाम को दीगर जो टेस्ट हैं वो भिजवाए गए, उनकी रिपोर्ट भी आएंगी, तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कौन सी मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की जाए। लेकिन अभी उनको सिर्फ पानी जो है वो दिया जा रहा है, चूँकि वो जो चीज़ खाते हैं उसको वोमिट हो जाती है। दूसरी जानिब उनके जो एक्सरे है वो किया गया है, चूँकि पहले भी उनका मैदे का ऑपरेशन जो है वो बैरून मुल्क से हो चुका है, तो अभी उसको ऑपरेट करना है या क्या करना है उसके मैदे के हवाले से कोई फैसला नहीं किया जा सका, लेकिन ये बताया गया है कि शुक्रिया आपका यासिर मलिक, आपने इस बारे में अपडेट किया। और अब आपको बताएंगे